पिक्चर बहुत अच्छी बनी है। बेसिकली सब कहते हैं कि हॉरर फिल्म एक जैसी होती है, कोई भी फिल्म उठा के देखो एक जैसी होती है, लेकिन ये हॉरर फिल्म आपको कुछ अलग दिखेगी। इसकी यूएसपी और धारिया जी जिनकी ये पहली फिल्म है, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। पूरी पिक्चर यूरोप में शूट हुई है, गाने बहुत अच्छे हैं पिक्चर के, मेलोडी है, वरदान और रवि चोपड़ा जी ने बहुत अच्छे सपोर्ट से ये पिक्चर बहुत अच्छी बनी है। थैंक यू वेरी मच। एक प्रोड्यूसर की मुश्किल दूर करेगी एक्टर्स की जो मुश्किल है। हम लोग शूटिंग के दौरान काफ़ी मुश्किलों से गुजरे, सो ऑल दैट इवेंचुअली हैज़ कम आउट टू बी अ वेरी गुड प्रोडक्ट। वी सीन द फिल्म एंड वी लव द सॉन्ग्स एंड आई होप दैट द ऑडियंस ऑल्सो लव्स इट। सो वी लॉन्च लेकर आए हैं, कुछ गाने लेकर आए हैं, तो वी आर होपिंग दैट यू ऑल लव इट एंड फ्रॉम देयर ऑन वी स्टार्टिंग अ प्रमोशनल कैंपेन एंड वी होप दैट यू ऑल सपोर्ट अस। Anti, and I think it's a very bold thing on part of Ravindra ji, on part of hope that our endeavor has sort of paid off and with some fabulous actresses as well, and we've putting through a lot of difficulty. I know every film to do things ki jo maine pehle kabhi nahi ki hai, like the kind of songs that we have shot I don't think I have ever or might never do again. And all the actors and actresses, they have really been helpful as it was my first film, and I'm really grateful that I started this. Mera ek aaga hai film badi changi bani, bada chanda support se sab da, sab logon ne bada khushi se ye kaam kiya hai and बनाते रहेंगे फिल्म में, छोड़ेंगे नहीं। नेक्स्ट टाइम अगेन विल कम बैक विद अ न्यू प्रोजेक्ट। और सिर्फ एक इंसान ने तंग किया मेरे को, उसका नाम है नहीं ले सकता। मैंने खुद अपने आप को तंग किया। पिक्चर का नाम है मुश्किल और पिक्चर एक हॉरर जॉनर की है। पिक्चर में एक्चुअली आपको है ना, आपने बहुत सी हॉरर फिल्म देखी होगी, लेकिन इसमें हमने कुछ अलग दिखाने की कोशिश की है। कुछ ग्रीस, कुछ यूरोप को और कुछ बनारस को कुछ मिक्सअप करके इस फिल्म को दिखाने की कोशिश की है। इस फिल्म में स्टार कास्ट में है रजनीश दुग्गल, कुणाल रॉय कपूर, नाजिया हसन, पूजा बिष्ट, शफाक नाज और अर्चना शास्त्री ये पिक्चर के मेन लीड एक्टर हैं। पिक्चर के जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं वो है वरदान सिंह और रवि चोपड़ा, जिन्होंने बहुत अच्छे गाने दिए, बहुत मेलोडी सॉन्ग दिए। पिक्चर की यूएसपी बहुत अच्छी गाने से ही है, गाने बहुत अच्छे पिक्चर के। मैं चाहूँगा कि रजनीश और कुणाल आपसे कुछ बात करें अपने कैरेक्टर्स के बारे में। मैं गाइड का रोल कर रहा हूँ, गाइड टूर ऑपरेटर आप कह सकते हैं, जो जिनकी एक टूर कंपनी है और वो इंडिया से एक लड़कियों का एक ग्रुप आता है और वो उन्हें टूर के लिए लेके जा रहा है। और बेसिकली ही इज़ अ वेरी ब्रैश, ही इज़ अ वेरी फ्लर्टेशियस और वेरी फन लविंग एंड आउटगोइंग काइंड ऑफ कैरेक्टर। और फिर ये जाके आगे जाके ये सारी दुर्घटनाएँ होती हैं, तो ही इज़ ऑल्सो क्वाइट टेकन अबैक बाय द होल सिचुएशन एंड दैट्स प्रीटी मच हिज कैरेक्टर। ही इज़ वो ग्रीस में पला बड़ा है, तो ही वो ग्रीक भी बोलता है, हिंदी भी बोलता है, ही इज़ अ काइंड ऑफ मिक्स्ड ब्रीड। तो इट्स बीन अ फन कैरेक्टर, देयर सम वेरी नाइस सॉन्ग्स एज राजीव वाज़ सेइंग, वेरी रियली इंटरेस्टिंग fun songs in the film as well. So that's pretty much my character. ब्राह्मण का है अबीर, जो है ये बनारस में बेस्ड है। ही इज अ फन लविंग ब्राह्मण, बट विद टाइम क्योंकि सर्कमस्टांसेस उसके ऐसे हो जाते हैं उसके आसपास कि उसको इस तांत्रिक विद्या में और इन सब चीज़ों में घुसना पड़ता है, जहाँ पे वो सोल को कंट्रोल करना सीखता है, जहाँ पे बहुत सारी ऐसी नॉलेज गेन करता है जिससे वो इवेंचुअली एक गोस्ट राइडर बन जाता है। एंड आगे जाके कहानी में कहीं पे ऐसा कुछ होता है जहाँ पे यू नो ही डज कम इन टू हेल्प द गाइड एंड द फोर गर्ल्स एंड आई वुड से दैट उसकी कैरेक्टर की जो इंटेंसिटी है वो ही थ्रू आउट
is something which helps him to see souls, to go back into the past. And बाकी इससे ज़्यादा अगर मैं बताऊँगा तो सारी पिक्चर ही रिवील हो जाएगी. एंड आई थिंक उसके लिए आपको मुश्किल देखनी पड़ेगी जो कि 9 अगस्त को रिलीज़ हो रही है एंड सभी थिएटरों में आपके आसपास. एंड या दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू सी. नो दिस इज़ माई थर्ड हॉरर फिल्म एंड या आई हैव एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दिस बट दैट वॉज बचपन में था. मैं शिमला में था एक बार और मेरी बुआ जो हैं मतलब वहाँ पे होटल्स जो होते हैं -5, -4, -3 ऐसे लेवल्स पे होते हैं. तो बुआ जी रह रही थी -4 पे और हम लोग थे -5 वाले फ्लोर पे. एंड सडनली ऑब्वियसली हमने सुना हुआ था कि ये होटल जो है थोड़ा इसमें कभी कभार कुछ ना कुछ ऐसे इशू होते हैं. एंड एक चीखने की आवाज़ आई एंड सडनली जो है बुआ बाथरूम से बाहर भागते हुए आए. सब बच्चे नीचे आए, वी ऑल वर देयर. एंड तब हमें रियलाइज़ हुआ कि बुआ ने एक बेसिकली एक दीवार से दूसरी दीवार में घुसते हुए एक आत्मा को देखा. एंड विच इज़ एग्जैक्टली व्हाट द रिसेप्शनिस्ट हैड टोल्ड अस कि ऐसा कुछ हो सकता है. अगले दिन हम सबको लगा कि मजाक कर रहे हैं. एंड नेक्स्ट डे दिस सेम थिंग हैपेंड विद मी. तो मैं ब्रश कर रहा हूँ एंड सडनली मैंने देखा कि मिरर में से कि पीछे से कोई इधर से निकल के इधर गई. एंड आई थिंक वो ब्रश को लेके अपने बैग वैग को पकड़ के हम लोग सब शिमला से सीधा दिल्ली आ पहुँचे. एंड दैट वॉज माई फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस विद सोल्स या जो भी आप कहना चाहें. एंड उसके बाद तो आई थिंक वो नाइट इन चाइना आपको आगे जाके फिल्म में देखकर पता चलेगा. इवेंचुअली इसी किसी भी पिक्चर में से जब आप बाहर निकलते हैं और क्लाइमैक्स में आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, सो दैट फिल्म वर्क्स विद द ऑडियंस एंड दैट्स व्हाट वी होप एंड वी प्रे दैट यू नो दिस फिल्म ऑल्सो डज. How Rajiv sir has imagined me ki is tarah ka romance bhi kar sakta hai. And I've never done a song where I'm being so romantic and so sort of like a traditional kind of song. And I think even for an actor it's really nice to keep reimagining what you see yourself as. And I think sometimes you meet directors who also reimagine you and that's a very helpful thing. So आप जब देखोगे तभी पता चलेगा क्या क्या. बट डर तो लगेगा. सर ने हॉरर फिल्म बनाई है बट हमारे सर बहुत खुश मिजाज है और बहुत ही हैप्पी है. मैंने फिल्म देखी, मैं वापस आ गया, बाहर आ गया, डर के मारे इतना डर. मैं पूरी पिक्चर देख नहीं सका और बनते हुए तो मैं वहाँ बैठ ही सकता था जब बना रहे थे. इट वॉज वेरी डर लग रहा था मुझे. आप जब शूट कर रहे होते हो ना, आप जब सीन में होते हैं और कोई भी ऐसा पर्टिकुलर सीन शूट कर रहे हैं जहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है या कोई प्रोसेस हो रहा है, सो एज अ परफॉर्मर आपका बहुत एनर्जी लगती है आपकी और यू नो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है शूट करने के लिए मेंटली फिजिकली. सो दैट वॉज द वन थिंग. एंड बाकी मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ हॉरर फिल्म, हॉरर जॉनर, और मुझे बहुत अच्छा. मैं पर्सनली मैं देखती भी बहुत हूँ हॉरर. सो आई रियली इन्जॉय. आई एम अ डाई हार्ड हॉरर फिल्म्स फैन. मतलब मैंने अपनी लाइफ में कम से कम 500-600 हॉरर फिल्म्स तो देखी होंगी. सो शूटिंग फॉर वन इज़ ऑफकोर्स वेरी एक्साइटिंग. एंड जहाँ तक मेरा किरदार है, आई एम प्लेइंग निभाना, विच इज़ शी इज़ अ स्मॉल टाउन गर्ल जो बॉम्बे आती है. सो देर इज़ अ ट्रांजिशन इन माई कैरेक्टर कि एक स्मॉल टाउन गर्ल हाउ शी ग्रूम्स हर सेल्फ एंड एक मेट्रो सिटी में आके एंड देन शी ट्रैवल्स विद हर फ्रेंड्स टू ग्रीस. एंड ग्रीस में आके जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, हाउ दे हैंडल इट विद द हेल्प ऑफ रजनीश हु इज प्लेइंग द सेवियर फॉर ऑल ऑफ अस. सो इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड आई थिंक यू कैन टेक ओवर नाउ. चेंज होता है और कैसे सब एक हम चारों जो फ्रेंड्स हैं हम लोग एक दूसरे के सपोर्ट में आते हैं. आई थिंक दैट इज़ अ यू नो गुड थिंग. और बाकी शूटिंग करना लाइक आई सेड कि मुझे हॉरर बहुत पसंद है तो मैंने तो बहुत इन्जॉय किया. छोटा सा टाउन है और
भूतों को अपने आप को देख कर कैसे आ जाते हैं। Script was ready where I met Rajiv. He was almost ready to do this film. So I didn't want to waste time. So मैंने कहा जब सब कुछ तैयार है तो why not? And it was just destiny, I say. It's a destiny. Yes, I know. It's a beautiful like. आप जितना इस पर दिखा सकते हैं उसमें लाइक आप रोमांटिक फिल्म में नहीं दिखा सकते। वी आर कमिंग विद म्यूजिक कंपनी मेक दैट म्यूजिक या जस्ट लॉन्चिंग इट वेरी सून विद नवराज हंस सॉन्ग। पीछे से अलाप दे देंगे आप गाना। थैंक यू।